फ्रेंड, सवाल यह है कि क्या निमोनिया, जिसको हम लंग का इन्फेक्शन कहते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखिए, निमोनिया एक ऐसा टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि आपके फेफड़ों में या लंग्स में अगर किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटिक एक्सपर्ट हूं पटना बिहार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कई पेशेंट। यूजुअली हमारे रिलेटिव्स का कई बार फोन आता है, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल का फोन आता है कि भाई मेरे किसी रिलेटिव को ऐसा निमोनिया हो गया, क्या निमोनिया ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकता है? एक बहुत ही कॉमन सवाल है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, क्या ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे ठीक होगा? तो ये एक सवाल है जो अक्सर हमसे लोग टेलीफोन पर भी पूछते हैं, हमारे पेशेंट भी हमसे पूछते हैं और पेशेंट के रिलेटिव्स जो कि पेशेंट एडमिट रहते हैं वो भी हमसे पूछते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी छोटे से टॉपिक को मैं बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड, सवाल ये है कि क्या निमोनिया, जिसको हम लंग का इन्फेक्शन कहते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखिए, निमोनिया एक ऐसा टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि आपके फेफड़ों में या लंग्स में अगर किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। ये निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगस से हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है कि उसके सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट छोटा सा क्या है, आपको जल्दी मिल जाएगी आप मेरे अगर आप वीडियो की लिस्ट में देखेंगे तो। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि क्या निमोनिया ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके कई चीजों पर, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोगों का निमोनिया ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि निमोनिया कभी नहीं ठीक हो गया, प्रॉब्लम हो गया है, बट डिपेंड करता है कई कंडीशंस के ऊपर। अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को ले और हम उसको बोले कि इनको निमोनिया हो गया है, तो इनका निमोनिया, जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, 90% आई वुड लाइक टू से एज पर माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, की ठीक हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहता है। जैसे किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है, HIV है, या किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम पहले से ही किसी बीमारी, ऑटोइम्यून बीमारी के वजह से वीक हो, या किसी पेशेंट को स्टेरॉइड चल रही हो किसी भी बीमारी के वजह से, उससे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अगर। और ये भी देखा गया है कि जो ओबीज होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनमें अगर लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ट्रीटमेंट में काफी मुश्किलात आती हैं एज पर स्टडीज। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनको सोचना होगा, समझना होगा कि भाई अगर ऐसे लोगों में निमोनिया हो जाता है तो इनको बिल्कुल एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए ताकि इनका निमोनिया विराट रूप ना ले, इनकी जानलेवा बात ना बन जाए। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में निमोनिया बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि निमोनिया का कारण क्या है। अगर बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उससे कवर हो जाता है। एंटीवायरल है तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और जो भी सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए और भी चीजें करते हैं, उससे भी निमोनिया ठीक हो जाता है। फंगल के लिए एंटी फंगल देते हैं, बट फंगल निमोनिया मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ही होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा आंसर बस यही था कि जी हाँ, निमोनिया बिल्कुल ठीक हो सकता है। बस ये है कि उसके पीछे और कोई बड़ी बातें ना हो, जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज या फिर ऐसा कोई भी बीमारी जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो या कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए फ्रेंड, एक छोटी सी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ऐसे ही वीडियोस हमारे आते रहेंगे, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस का। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।